साइलेंट, तू बाहर निकल, चुड़ैल, तू कहाँ पर है, बाहर निकल। रोमी, चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? ए, तू पी साइलेंट है क्या? रोमी, मैं तुझे बुलाया? रोमी, तू क्यों आया? रोमी, तू क्या कर रहा है? उसे, उसका क्या नाम है? पाचड़ी। रोमी, पीसू को बुला रहा हूँ मैं, तू क्यों आया? क्या कर रहा है तू? और ये सब क्या है? किसकी मीटिंग बना रहा है तू? ए, पाचड़े, तू बाहर निकल, बाहर निकल। क्या हुआ? मेरे कान क्यों फाड़ रहा है इतना? हाँ, और पिशाचनी, समझा? पी साइलेंट, सब वायलेंट। क्या हुआ? मेरा नाम भूल गया या फिर अपनी औकात भूल गया? ए, तेरी क्या औकात है? रोमी, संभाल। तेरी क्या औकात है? बक 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 बक, पिया कर गया। चल 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 चल, पीछे जा। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे तू? हाँ, क्यों किया तूने? तूने गलत किया पाचनी। मैंने क्या किया? जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा चाहता था, तूने उसे मार दिया। क्या? तूने उसे मार डाला पाचनी। क्या कह रहा? रोमी, क्या बकवास कर रहा है तू? दिव्या मेरी पत्नी थी, तूने उसकी बिल्डिंग क्यों बनाई? तेरी पत्नी थी तो क्या? तू इस घर में आया उससे पहले मैं उसे जानता था, पर शायद तू नहीं जानता मैं उसे प्यार करता था। पर इसने उसे मार डाला, इसने हमारे प्यार को अलग कर दिया। मुझे क्या पता था कि इस लैला का इस घर में एक और मजनू है? लेकिन तू तो कहता था कि ये तेरी दोस्त और तू इसका दोस्त, सिर्फ दोस्त है, जस्ट फ्रेंड। मेरी वो कोई दोस्त नहीं थी, मैं उससे प्यार करता था। रोमी, तेरी इतनी हिम्मत तू? ठीक है ठीक है, वो एक घिसी पिटी लव स्टोरी, पति पत्नी और वो बोरिंग। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और वो भी मुझसे बेहद प्यार करती थी, समझ आई? चल चल, झूठ बोल रहा है तू? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। बुरी नजर वाली, तेरा मुंह काला। चल हट, पिया कर, तेरे मुंह क्या लगना। यार रोमी, तुझे तो और मिलना चाहिए। पेंटिंग का तो पता नहीं, बट एक्टिंग डेफिनेटली। वाओ, सही कहा था गुरुजी ने, पिशाचनी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका गुरूर। अगर हमें पिशाचनी को तोड़ना है तो सबसे पहले उसका गुरूर तोड़ना होगा, और उसका गुरूर तोड़ने के लिए हमें अगले पड़ाव पे चलना होगा। यही एक आखिरी रास्ता है पिशाचनी को हराने का, वरना तो वो बहुत शक्तिशाली है। चलो दी, करते हैं फिर। देखना ले, अभी के लिए यही रुक जाती हूँ। अरे मेरे काले बाल सफेद कैसे हो गए? अरे नहीं चाहिए मुझे ये बुढ़ापे वाले बाल, बुढ़ापा नहीं चाहिए, लौटा दो मेरे बाल। मेरे बाल, मेरे बाल, मेरे बाल फिर से काले।
उसको झूल से पड़ा अंदर वहां लाल चकोर के रूम में तो मेरे पास सफेद थे, फिर अचानक सभी काले कैसे हो गए वहां लाल चकोर। लाल चकोर के कमरे में लाल चकोर। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये महिमा मेरे साथ कुछ, ये जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। बताती हूँ मैं इसको। तुम दोनों महिमा और साक्षी की तरह मत बनो। महिमा और साक्षी जैसे नहीं बनो मतलब? अरे वो दोनों सिर्फ मुंह पर एक दूसरे के दोस्त हैं, पीठ पीछे एक दूसरे के दुश्मन हैं, और हमें उनके जैसा नहीं बनना है। हम अपना सब कुछ तो खो चुके हैं और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? माँ को बता भी है क्या कह रहा था? इसने कहा ऐसी मेरी पत्नी से प्यार था। यार शिखु, शिखर तू दिल पे मत ले यार। अब प्यार था तो था, इसमें मेरे दिल का क्या कसूर है यार? अरे अरे क्या, मैं दिव्या को बहुत मिस करता हूँ। दिव्या प्लीज वापस आ जा, बहुत याद आ रही है उसकी। मिस तो भाई बहुत करता हूँ उसे। गुड, वेरी गुड। कम से कम एक बार में तुम्हें ये बात समझ में तो आ गई कि हम उन दोनों की तरह एक दूसरे के दुश्मन नहीं। यही तो फर्क है तुम दोनों में और महिमा और साक्षी में। और ये महिमा ना बहुत शातिर है। साक्षी को लगता है कि वो इसे अपने इशारों पर नचा रही है, पर असल बात तो ये है कि महिमा साक्षी को अपने इशारों पर नचा रही है। अरे बहुत शातिर है ये। कितने साल से हम महिमा के साथ रह रहे हैं, इनकी रग रग पहचानते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में। कोई जिए या मेरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही हो तुम आश। ये महिमा किसी की सगी नहीं हो सकती। जो अपने बेटे की नहीं हो पाई वो किसी और की क्या होगी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? साक्षी सुन रही है ना? सब सुन रही है। ओके, पर जो भी हो मॉम, साक्षी अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझती है ना, पर उसके साथ अच्छा तो नहीं होने वाला। पर हमें क्या, उसने अपने लिए महिमा नाम की कब्र खुद खो दी है, गिरने दो उसे। बस इसी कब्र में मर खप के खत्म हो जाए साक्षी, जान छूटे।